दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 20,000 से 25,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका भी बजट है 20 से 25,000 रुपए के आसपास, अगस्त 2021 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन, परफेक्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दिस इज द वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही है। क्योंकि ये चीज तो आपको पता पड़ी गई होगी भाई कि हमारे चैनल पे हम 5, 4, 3, 2, 1 की गिनती नहीं करते हैं। पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन अपनी जगह तगड़े स्मार्टफोन है। डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई वीडियो को, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। आज की वीडियो में जो आपको प्राइस बताने वाला हूं मैं स्मार्टफोन के, वो मैं एक्चुअल प्राइस बताने वाला हूं। वैसे तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर अभी सेल चल रही है और वहां पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्योंकि भाई वीडियो तो अपना एक महीने तक चलेगा, सेल तो 4 दिन की बात है। तो सेल में अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप सेल में लपेट लो, अगर नहीं लपेटते तो मैं आपको एक्चुअल प्राइस बताने वाला हूं। स्टार्ट करते वीडियो को और अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए सबसे पहले नॉन चाइनीज ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपको नॉन चाइनीज फोन लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ आप देख सकते हो। अच्छा फोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ, प्लास्टिक का बैक मिलता है, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, सुपर एमोलेड का पैनल यहां पर आपको दिया गया है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, सेंटर पंचोल के साथ में डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 7 नैनोमीटर पर बना हुआ एक्सिनस 9825 चिपसेट मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी निकाल के देता है। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो वन ऑफ द बेटर कैमरा सेटअप आपको इस फोन के अंदर मिलता है। 4 कैमरास पीछे की तरफ है, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 4 कैमरास पीछे की तरफ है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल अच्छा है, कैमरा आउटपुट भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी नहीं मिलती भाई यहाँ पर, 7000 mAh का बड़ा सारा बैटरा दिया गया है। जी हाँ, 7000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। 25W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 25W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फेस अनलॉक ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 23,999 रुपए में। तो नॉन चाइनीज ऑप्शन आपको लेना है, बजट आपका 20 से 25,000 रुपए के आसपास, सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं गेमर्स के बारे में। गेमिंग अगर आपको करनी है तगड़ी वाली तो आंख बंद करो और पोको X3 प्रो परचेस कर लो, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस आपको किसी और फोन में यहां पर नहीं मिलने वाली है इस प्राइस सेगमेंट में। इस फोन की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन दिया गया है। उसी के बाद में डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल दिया गया है, लेकिन 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, जो कि गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है भाई। तो डिस्प्ले क्वालिटी गेमिंग के हिसाब से काफी अच्छी आपको मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बीस्ट प्रोसेसर दिया गया भाई, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट दिया गया है, जो कि आपको मक्खन गेमिंग करा देता है। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको मक्खन दे देता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी, गेमिंग भी काफी तगड़ी होने वाली है भाई। कैमरास की बात करें तो डिसेंट सा कैमरा सेटअप है भाई, 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो डिसेंट सा कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको मिलता है। कैमरा के लिए फोन लेना है तो ये फोन नहीं बना भाई, डिसेंट कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको मिलता है। 5160 mAh की बैटरी मिलती है, 5160 mAh की बैटरी दी गई है, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिल जाता है। ओवरऑल गेमिंग के लिए बीस्ट स्मार्टफोन है। 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 20,999 रुपए में। तो अगर आपका बजट है 20 से 25,000 रुपए के आसपास, तगड़ी वाली आपको गेमिंग करनी है तो पोको X3 प्रो की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं कैमरा लवर्स के बारे में। अगर आपको गुड लुकिंग फोन लेना है या फिर अच्छे कैमरा वाला फोन लेना है, कैमरा ही आपकी प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीजों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप भाई परचेस कर लो वीवो V21 या फिर इसका जो 2021 वाला एडिशन है, 2021 वाला एडिशन है, वो भी परचेस कर सकते हो। दोनों फोन एक जैसा है, चिपसेट का डिफरेंस है।
फुल ग्लास बिल्ड आपको मिलता है, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, आगे आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, बैक में एंटी ग्लेयर मैट ग्लास दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, दिखने में फोन काफी अच्छा है। 6.44 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, E3 एमोलेड पैनल आपको मिलता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, तो हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल डिस्प्ले दिया गया, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G और स्नैपड्रैगन 730 दो वेरियंट्स में फोन मिलता है, मतलब वीवो V20 जो है वो 720G पर आता है और 2021 वाला एडिशन लेंगे तो आपको स्नैपड्रैगन 730 पर मिलेगा। दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है, हल्का फुल्का डिफरेंस आपको मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों में आपको सेम मिलती है एंड परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत भी नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें, पीछे की तरफ आपको तीन कैमरास का सेटअप दिया गया है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं एंड 2 मेगापिक्सल का यहां पर आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में अगर बात करें तो 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि आई ऑटो फोकस फीचर के साथ में आता है। ओवरऑल इस फोन के अंदर जो कैमरा दिया गया है, कैमरा धमाकेदार दिया गया है एंड कैमरा आउटपुट भी काफी अच्छे निकल के आते हैं, तो कैमरा के लिए फोन लेना है तो भाई बेस्ट फोन है इस सेगमेंट में। उसके बाद में अगर बैटरी की बात करें तो 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है, 33 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, 3.5 mm जैक भी यहां पर आपको मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है और 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 22,990 रुपए में। तो कैमरा ओरिएंटेड फोन अगर आपको लेना है तो Vivo V20 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको क्लीन एंड्रॉइड चाहिए, स्टॉक नहीं बोलूंगा भाई, क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो लोग जा सकते हैं OnePlus Nord CE की तरफ। वैसे इस फोन को जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी थी उतनी मिली नहीं है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से डिसेंट स्मार्टफोन है। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, फ्रंट में आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.43 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले साइज मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है भाई, 6.43 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, फ्लूड एमोलेड पैनल दिया गया है, 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, टॉप लेफ्ट में पंचोल मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर काफी अच्छी दी गई है, डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत नहीं आती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट दिया गया है जो कि एक 5G चिपसेट है एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल के देता है, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है और गेमिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा में आपको EIS का सपोर्ट मिलता है, तो कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें, 4500 एमएएच की बैटरी दी गई है, 30 वॉट की वार्प चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 30 वॉट का वार्प चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग काफी अच्छे से हो जाती है, 58 मिनट्स के आसपास में आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है, तो बैटरी यहां पर आपको काफी अच्छी दी गई है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक इस फोन के अंदर दिया गया है, उसी के अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिल जाता है, अलर्ट स्लाइडर आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलता है। 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 22,999 रुपए में, ऑक्सीजन OS भी आपको इसके अंदर मिलता है, तो अगर आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस चाहिए, स्टॉक नहीं क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए जहां पर आपको ब्लोटवेयर्स ना मिले, तो आप जा सकते हैं OnePlus Nord CE की तरफ। और लास्ट में बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जहां पर आपको सारी चीजें मिले भाई, जहां पर आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिले, जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, जहां पर आपको 5G कैपेबिलिटीज भी मिल जाए, तो आप लोग जा सकते हैं iQOO Z3 की तरफ। भाई पर्सनली मेरे को तो बहुत पसंद है ये वाला डिवाइस, पता नहीं क्यों पॉपुलर नहीं हो रहा है भाई, लेकिन फोन काफी अच्छा है। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक है, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, दिखने में भी फोन काफी अच्छा है। 6.58 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल दिया गया है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले है, काफी शार्प डिस्प्ले है, मेरे को इस फोन का डिस्प्ले काफी पसंद आया भाई। 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, बस एक दिक्कत आ सकती है कि यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G चिपसेट दिया गया है जो कि भाई डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही देता है, गेमिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। पर्सनली मैंने इसके अंदर गेमिंग करके देखी और मेरे को बहुत स्मूथ गेमिंग मिली है भाई, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी यहां पर आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, उसी के साथ में यहां पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा है, कैमरा आउटपुट भी अच्छा निकल के आते हैं, कैमरा मॉड्यूल में भी कोई शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें तो यहां पर आपको 4400 एमएएच की बैटरी दी गई है,
55 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 66 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है एंड बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा दिया गया है। उसी के साथ में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। वेरिएंट की अगर बात करें तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 19,990 रुपए में। तो ओवरऑल अच्छा फोन अगर आपको लेना है, 6128 19,990 का है और 8256 आपको मिल जाता है 22,990 रुपए में। तो भाई किसी भी वेरिएंट की तरफ आप जा सकते हैं, फोन काफी तगड़ा है। अगर आपको ओवरऑल ऑलराउंडर फोन लेना है तो IQ Z3 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई ये थे पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिल जाते हैं 20,000 से 25,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में और अगस्त 2021 के महीने में आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है और इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लेना पसंद करेंगे या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना पसंद करेंगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।